हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अशुराज और काला खोर का दूसरा और अंतिम भाग। सर्कस का वह विशेष शो प्रेसिडेंट साहब के लिए था। वाह, वंडरफुल। इधर शाकाल की व्यग्र निगाहें जमी थी रिस्ट वॉच पर, और तभी ओह ठीक 5 मिनट। शाकाल साहब, सारी तैयारी हो चुकी है, अब केवल आपके आदेश का इंतजार है। ओह ठीक 5 मिनट बाद काला खोर को प्रेसिडेंट साहब को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और तुम्हें उन्हें सवारी के लिए भी मनाना है। इधर उसी समय सर्कस के बाहर मचा था हंगामा। अरे, सर्कस अंदर चल रही है और करतब बाहर दिखाया जा रहा है। अशुराज तो अब सर्कस के पांडाल में पहुंच कर ही रुकेगा। उफ, शाकाल साहब मुझे गोली मार देंगे। कौन है ये, रोको इसे। और तब मंच पर पहुंचा काला खोर। ठीक 8 मिनट बाद फट जाएगा टाइम बम। वाह, क्या शानदार घोड़ा है। ये आपके लिए है सर, हमारे सर्कस की ओर से। और सर, आपको ब्लैकी पर सवार होकर सर्कस का एक चक्कर लगाना होगा, ये हमारी दिली इच्छा है। वंडरफुल, जरूर, हमारे अस्तबल में कई शानदार नस्लों के घोड़े हैं, ये तो नायाब है। अशराज अभी तक नहीं पहुंचा। इसे देखते ही इस पर बैठने का किसका मन ना होगा। उफ, ये विस्फोटक किसी मानव की हत्या के लिए मेरे शरीर में कहीं छिपाया गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तूफान की तरह अश्वर पांडाल की ओर बढ़ा। अंदर प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाना चाहता है। शूट हिम। अश्वर, मैक को इन पर उछाल दो। दूर तक गूंज गई मैक की चीख। आह, चल अश्वर जल्दी कर। इधर प्रेसिडेंट साहब सवार हो चुके थे काला खोर पर। उफ, क्या कुछ भी नहीं कर सकता मैं हम दोनों को बचाने के लिए। वाह, इसे तो हमारी शाही बग्गी में होना चाहिए। और अब बम फटने में रह गए थे केवल 2 मिनट। जब भाग काला खोर, भाग यहां से। अश्वट, अश्वराज, अश्वट, अरे ये कौन है, ये तो वही है। भगदड़ मचाता भागता चला गया काला खोर। अरे, ये घोड़ा तो पागल हो गया लगता है। भाग काला खोर, और तेज निकल यहां से। अश्वराज की ओर उठ गई गार्ड की गने। ठहरो, गोली प्रेसिडेंट साहब को भी लग सकती है। इधर एकाएकी अश्वराज ने प्रेसिडेंट साहब को भी अश्वर पर खींच लिया। कौन हो तुम, ये क्या बदतमीजी है। ओफ, प्रेसिडेंट साहब को अश्वर पर खींचने के साथ ही अश्वराज ने काला खोर की पीठ से काठी खींच दी। वह विस्फोटक काठी में ही है। काठी को हवा में उछालते ही भयानक विस्फोट के साथ फट गया बम। ओ माई गॉड, काठी में बम छुपा था। प्रेसिडेंट साहब प्रशंसात्मक निगाहों से देख रहे थे अश्वराज को। नौजवान, आज तुमने न केवल हमारे बल्कि कई प्राणों की रक्षा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रेसिडेंट साहब, मुझे काला खोर की भी चिंता थी, शुक्र है एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शाकाल साहब कहाँ गए। यह सारा षड्यंत्र शाकाल और उनके एक साथी मैक का ही रचा हुआ था। शाकाल, वह जरूर इस विफलता से खिन्न होगा। मुझे उम्मीद है कि वह यहाँ से फरार होने की चेष्टा कर रहा होगा। हमारे देश में आप मेहमान बनकर आए प्रेसिडेंट साहब, मैं कमांडो चीफ आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह यहाँ से फरार नहीं हो पाएगा। सारे रास्ते सील कर दो और ग्लोब सर्कस के मालिक मिस्टर शाकाल को फौरन हिरासत में लो। इधर गोली की तरह सर्कस के मुख्य द्वार की ओर बड़ी उस कार की ओर तन गई थी स्पेशल कमांडो की गने। ये कार मिस्टर शाकाल की है और मिस्टर शाकाल स्वयं कार चला रहे हैं। फायर, यह फरार नहीं होना चाहिए। कार के रुकने की कोई गुंजाइश न देख ताबड़तोड़ गोलियां गनों से आजाद होकर कार पर झपट पड़ी। उस धमाचौकड़ी की आवाजों से वहां आ पहुंचे अश्वराज, सोनिया, अश्वट और काला कोर तथा अन्य। शाकाल कार द्वारा भागने की चेष्टा कर रहा था, हमने उस पर गोलियां चलाई तो कार अनियंत्रित होकर उस टेंट में घुस गई। शाकाल अभी कार के अंदर है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रेसिडेंट साहब को तुरंत कैंप में भेज दिया गया था। और तब खून से रंगा चेहरा लिए बाहर निकला शाकाल। खबरदार, कोई मुझ पर गोली न चलाए, वरना 20 किलोमीटर का एरिया मेरी उंगली के एक इशारे पर बल्बे के ढेर में बदल जाएगा। हाँ, मेरे हाथ में जो यंत्र है, अगर उसके दबे हुए ट्रिगर से मेरी उंगली छूट गई तो वह बम फट जाएगा, जिसे मैंने यहीं कहीं जमीन में दफन कर रखा है। और ये मेरी योजना का दूसरा हिस्सा है, जिसे मैं इसलिए प्रयोग में नहीं लाना चाहता था क्योंकि इससे कई लोगों की जाने जाती, भयानक तबाही होती, जबकि मेरा शिकार थे केवल प्रेसिडेंट साहब। लेकिन अब अगर आपने मेरा रास्ता रोका तो इस भयानक तबाही को भी नहीं रोक पाएंगे आप, जो मेरी उंगली के इस ट्रिगर यंत्र के ट्रिगर से हटने पर होगी। अश्वराज की कनपटियां सनसनाने लगी। ये निश्चित रूप से सच कह रहा है, इस समय कई जिंदगियां इसकी उंगली के एक इशारे पर हैं, और इस समय हम बचा सकते हैं, इसे बचा सकता है सिर्फ काला खोर। मेरी बात ध्यान से सुन काला खोर, तुझे इस विस्फोटक का पता लगाना होगा जो कि इसने यहीं कहीं जमीन में छिपाया हुआ है। अश्वराज सड़क आया कमांडो चीफ के निकट। श्रीमान, आप इसे बातों में उलझाने की चेष्टा कीजिए, तब तक मैं काला खोर के साथ इस विस्फोटक की तलाश करता हूँ। क्या क्या तुम ढूंढोगे इस विस्फोटक, ये तो हमारे प्रशिक्षित कमांडोज भी बिना विशेष उपकरणों के नहीं कर सकते। श्रीमान, विस्फोटक का पता तो काला खोर सूंघ कर लगाएगा, मैं तो केवल उसे जमीन से बाहर निकालूंगा।
क्या ये घोड़ा विस्फोटक को ढूंढेगा? असंभव। अगर ऐसा हो गया तो अजूबी घटना होगी। पीछे खिसक गए कालाखोर और अश्वराज। आगे बढ़ गए कमांडो चीफ। शाकाल, तुमने ये सब क्यों किया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी प्रेसिडेंट साहब से? भीतर प्रेसिडेंट साहब के खेमे में भी हलचल मची थी। अब क्या होगा? अगर इसने ट्रिगर छोड़ दिया तो क्या सचमुच बम विस्फोट होगा? स्थिति गंभीर है सर, और स्थिति तब और गंभीर हो जाएगी जबकि अगर उसने फरार होने के लिए कोई मदद मांगी तो। जबकि इधर कमांडो चीफ का सवाल सुनकर खून उतर आया था शाकाल की आंखों में। आज से 2 साल पहले पहाड़िस्तान के इन्हीं प्रेसिडेंट साहब के आदेश पर हमारे देश के एक गांव पर गोलाबारी में मेरा पूरा गांव ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी मारा गया था। बाद में जरूर दोनों देशों के बीच युद्ध संधि और शांति समझौते हो गए, लेकिन मेरे खून का कतरा कतरा प्रतिशोध की अग्नि में सुलगता रहा, और वो आग बुझाने का अवसर मुझे अब मिला प्रेसिडेंट साहब के काका ठोर के दौरे पर। प्रेसिडेंट साहब की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां तुरंत आ पहुंचा था वह हेलीकॉप्टर जिस पर गड़ गई थी अब शाकाल की निगाहें। मुझे वह हेलीकॉप्टर चाहिए। सोचने के लिए मैं तुम सबको केवल 3 मिनट का समय देता हूं। बाजी यकीनन शाकाल के ही हाथों में थी, जबकि इधर कालाखोर की नासिका विस्फोटक को सूंघने की जबरदस्त चेष्टा कर रही थी। कालाखोर, सैकड़ों जिंदगियां समताओं पर लगी हैं, जल्दी कर ढूंढ विस्फोटक। इधर हेलीकॉप्टर की ओर बड़ा शाकाल। अश्वराज और कालाखोर विस्फोटक तक पहुंचे या नहीं? सोनिया, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो और हेलीकॉप्टर भी चला सकती हो। हेलीकॉप्टर की ओर बड़ो क्विक। मूक दर्शक बने रहने के अलावा और कोई कर भी कह सकता था। इधर हेलीकॉप्टर ने जमीन छोड़ी। प्रेसिडेंट को मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके साथ ही होने वाली कई मौतों का मुझे सख्त अफसोस होगा। इसी पल कमांडोस चीफ को हैरान कर दिया उस दृश्य ने। चल कालाखोर, पीछा कर उसका। अश्वराज, उफ, उसके हाथ में तो एक्सप्लोसिव है। मुझे सोनिया को उसकी कैसे छुड़ाना होगा क्योंकि वह निर्दोष है। हाथ में थमे RDX एक्सप्लोसिव के बैग को अश्वराज ने हेलीकॉप्टर पर ही टांग दिया। और ओह अश्वराज, तेरा ये दुस्साहस भी 20 किलोमीटर के एरिया को मलबे का ढेर बनने से नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं कंट्रोल का ट्रिगर छोड़ रहा हूँ। हा हा हा, हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठाओ सोनिया। सोनिया, मैं केवल तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। इसी के साथ ऊंचा उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर। सोनिया के बिना भी हेलीकॉप्टर में उड़ा सकता हूँ। हा 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 हा। अश्वराज, वो भयानक तबाही मचाने जा रहा है। वो सिर्फ खुद को तबाह करने जा रहा है सोनिया। भयानक अटास लगाते हुए शाकाल ने कंट्रोल का ट्रिगर छोड़ दिया। हा हा हा, आज पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। और एक जबरदस्त धमाके के साथ गूंज गया आकाश। चिथड़े उड़ गए हेलीकॉप्टर के। चिंदियां बिखर गई शाकाल के जिस्म की, और वह धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 मील तक के एरिए में हल्के भूकंप का आभास हो रहा था। और फिर अश्वराज, इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। ना मैं कंकाठोर देश के उस गांव पर गोलाबारी करवाता और ना ये सब घटता। लेकिन तुमने अपनी जान पर खेल कर अपने अद्भुत विलक्षण घोड़ों की मदद से जो काम किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। और तब अश्वराज ने मांगा कालाखोर, और प्रेसिडेंट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अश्वराज, कालाखोर मैं तुम्हें यहाँ नहीं दूंगा। कालाखोर को मैं तुम्हें पहाड़िस्तान में दूंगा। मैं तुम्हें वहां आने का निमंत्रण देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम ठुकराओगे नहीं। मैं जरूर आऊंगा प्रेसिडेंट साहब। वाह कालाखोर, अभी मुझे तलाश करनी है रक्तांबर, शव शक्ति, नीलकंठ और कुतुम छुम्बी की भी। इसलिए मैं शीघ्र ही उन सबके साथ तुम्हें लिवा लाने पहाड़िस्तान आऊंगा। और कालाखोर ने सहमति में गर्दन हिला दी। समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अश्वराज की अगली कॉमिक्स अश्वराज और नीलकंठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।